जी, मसाला चम्मच में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी, वो भी चटपटी और जायकेदार। तो सीखते हैं हमारी भिंडी की रेसिपी। हेलो दोस्तों, भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है भिंडी और एक कॉटन का कपड़ा। आप चाहें तो किचन टॉवल या किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी के लिए एक टमाटर, एक प्याज, एक हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, कटा हुआ हरा धनिया और नींबू। हम अपनी मसाला चम्मच से लेंगे हमारे सारे मसालों का नाम, जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अजवाइन। अपनी सब्जी के लिए लेंगे हम सरसों का तेल। तो शुरू करते हैं भिंडी की रेसिपी। तो एक कॉटन के कपड़े पे हैंकी ले सकते हैं आप, किचन टॉवल ले सकते हैं, उससे आप अपनी भिंडी को अच्छे से साफ कर लें, पूछ लें। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अच्छे से आप क्लीन कर लें अपनी भिंडी को एक बार वॉश करने के बाद। मेरी देखिए, भिंडी में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा है। अब हम इनको कट कर लेते हैं। इसके फ्रंट और बैक साइड को पहले हम कट कर लेंगे। आप अपनी भिंडी को किसी भी शेप में काट सकते हैं, छोटा साइज, बड़ा साइज। इस तरीके से मैंने अपनी सारी भिंडी को, और आप एक चीज का प्लीज जरूर ध्यान रखें, आपकी भिंडी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और कच्ची होनी चाहिए। थोड़ी सी भी टाइट भिंडी आप लेंगे तो वो पकेगी नहीं और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब मैं मीडियम साइज की अपनी सारी भिंडी को कट कर लेती हूँ। भिंडी में एक कंप्लेन रहती है कि उसमें कीड़ा होता है, तो आप प्लीज ध्यान से कट करें और चेक करके अपनी भिंडियों को कट करें। मेरी सारी भिंडी अच्छे से कट हो गई है। अब मेरी भिंडी कट हो गई है, मैंने अपनी टमाटर प्याज की ग्रेवी को रेडी कर लिया है, कटा हुआ हरा धनिया, अदरक को कद्दूकस कर लिया है, लहसुन को चॉप कर लिया है और हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है, हाफ लेमन लिया है, 1 चम्मच मैंने लिया है सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम हींग, अजवाइन, कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और कद्दूकस किया हुआ अदरक। अच्छे से आप सारे अपने लहसुन को, हरी मिर्च को पका लें, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप फ्लेम का जरूर ध्यान रखें, आप फ्लेम को लो मीडियम पर ही रखें ताकि आपकी कोई चीज़ जले नहीं। अब इसमें हम डालेंगे हमारी टमाटर प्याज की प्यूरी। और देखिए, अच्छे से हमारी टमाटर पक रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 मसाला चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 मसाला चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च का हमने इस्तेमाल किया है तो आप प्लीज ध्यान से लाल मिर्च लें। देखिए, 5 से 7 मिनट हो गए मेरी ग्रेवी को पकते हुए और मेरा ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारी कटी हुई भिंडी। अच्छे से आप अपने सारे मसाले को भिंडी पर कोट कर लें। ये 1 से 2 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट सब्जी है। मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपने मसालों का इस्तेमाल किया है। अब हम 5 से 10 ml इसमें अपनी भिंडी के अकॉर्डिंग पानी मिलाएंगे। अब ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करें, बस थोड़ा सा हमारी भिंडी पकने के लिए। अब इसको हम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और मेरी भिंडी एकदम मसाले में अच्छे से कोट हो गई हैं। और आप इसमें स्वादानुसार नमक डालें। और ये लिया है मैंने आधा नींबू, जिससे हमारी भिंडी बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेंगी, एकदम खिली खिली बनेंगी।
कोट है मसाले से मेरी भिंडी। अब हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला, 1/4 मसाला चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला, जिससे हमारी भिंडी में स्वाद भी आएगा और इसका टेक्सचर भी और अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। गरम मसाला डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम अपनी भिंडी को पकाएंगे, जिससे हमारी पूरा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख रहे होंगे भिंडी बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली कुक हो गई है। हमारा इसने कढ़ाई का तला भी छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारी भिंडी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब देखिए 2 मिनट बाद कितनी अच्छी लग रही है मेरी भिंडी मसाला। तो आपको मेरी भिंडी मसाला की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इसको थोड़ा सा गार्निश कर दें और आप सभी इसको खाएं। देखिए मेरी टेस्टी टेस्टी भिंडी पूरी के साथ खाने के लिए, पराठे के साथ खाने के लिए तैयार है। मसाला की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, आपके परिवार में आपके बड़ों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और धार्मिक होकर घंटा बजा दे। धन्यवाद।